हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली, मैं अनिशा और आज फिर से एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक पे हम डिस्कस करने आ गए। जिसको जितना मिलता है, जिसे जो मिला है उसी में संतुष्ट होना ज़रूरी है। हमें वही मिलता है जो हम चाहते हैं, जो हमारी चाहत होती है। मैनिफेस्टेशन, जैसे सोचते हैं, जैसे चाहते हैं, हमें बिल्कुल वही सब मिलते जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम चाहे तो चाहे क्या। नॉर्मली क्या होता है, आपको जो लाइफ दिया गया, आप जिस ज़िंदगी में हो, वहाँ पे आप देखते हो कि बाजू वाले के पास या किसी सहेली के हस्बैंड के पास, बहन के हस्बैंड के पास या अपने रिश्तेदारों में किसी के पास बंगला है, कार है, प्रॉपर्टीज़ है ना, वाइफ को अच्छे अच्छे ज्वेलरीज गिफ्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ पहन रहे हैं वो, और आपके पास अकॉर्डिंग टू देम कुछ भी नहीं। तो आप क्या सोचते हो कि हमारे पास कुछ नहीं, उनके पास बहुत कुछ है। आपके पास क्या क्या है आप वो सब गिनना भी बंद कर देते हो। आपको दूसरों की अच्छाई, दूसरों के पास क्या क्या है वो अट्रैक्ट करते हैं। और ऐसे करते करते ये दुनिया जैसे जैसे चलती रही, क्या होते गए, आप दूसरों को मैनिफेस्ट करने लग गए। दूसरे के प्रॉपर्टी देख के उनके पति को ही कभी ना कभी मैनिफेस्ट कर दिए, तो किसी ना किसी जन्म में वो आपके पति तो बनना ही है। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे जो हम इस जर्नी पर हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी, इस जर्नी को लेके लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें फैल रहे हैं। एक सोल सिस्टर वीडियो बनाती है, मैं कभी कभी सुनती हूँ उनको, बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा कि किसी ने उनको बाकायदा थ्रेट किया है ईमेल करके कि आप अपना चैनल डिलीट कर दो, बिकॉज आप दूसरों को, आप लोग लव अफेयर सिखा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। उन्होंने तो बहुत अच्छा जवाब दिया, मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया, कमेंट भी किया। तो मुझे लगा मैं भी थोड़ा इस बात पे कुछ अच्छे मैसेजेस लेके आ जाऊँ, तो प्रभु का परमिशन लिया और बस आ गई। तो एक्चुअली क्या होता है, हम दूसरों को देख के उनके जैसा बनना चाहते हैं। बनना चाहते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि उनके जैसे हृदय बनाना चाहते हैं। दूसरे के प्रॉपर्टी, मटेरियल थिंग्स, उस पर हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कौन सी कार है, कौन सा मोबाइल है, ये सब बहुत सोसाइटी के लिए हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता है, हम मांगते मांगते दूसरों के पति या दूसरों के अदर हाफ, अदर सोल को ही मांग लेते हैं। जी बिल्कुल, एक ट्विन जर्नी में दो काउंटर पार्ट होते हैं, उनके हृदय में क्या चल रहे हैं उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें अपने पति, हमारे बॉयफ्रेंड, हमारी सोसाइटी, हमारे स्टेटस, हमारे स्टैंडर्ड, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारे सब कुछ, दुनिया गई, हु केयर्स। तो हम बस सीमित हो जाते हैं, हम में ही रुक जाते हैं, हम दूसरों की पीड़ा समझने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब मुझे नहीं पता किसने कैसे बताया, जो मैंने सीखा है प्रभु से वो है राधा कृष्ण का जर्नी। एक बार देखिए तो उस जर्नी में क्या पीड़ा सहा है दोनों ने। मांगना भी तो सीखे, आयन जी ने तो तपस्या करके नारायण से उनकी लक्ष्मी मांग ली है, वो भी पत्नी के रूप में। नारायण को देना था क्योंकि वो भी एक तपस्वी थे और सिद्धि लाभ किए होंगे, पर नारायण को भी तो पीड़ा हुआ, तो उन्होंने साथ में श्राप भी दे दिए थे आयन जी को नापुंसक होने का। तो श्री हरि विष्णु जब श्री कृष्ण रूप से धरती पर अवतारित हुए, उन्हें ये सब तो काटनी थी, झेलनी थी, पर आयन जी भी तो लक्ष्मी जी को श्री राधे के रूप में पाए, पत्नी रूप में पाए, पर क्या वो खुश थे? नहीं, किसी और को पीड़ा पहुंचा के, किसी और के आधा हफ को, आधा हिस्से को ही मांग लेके
आप खुश नहीं रह सकते। इस बात को समझना है। श्री कृष्ण के तो बहुत सारी पत्नियाँ थी, को उन सबको राज रानी का सम्मान मिला, उन सबको अच्छे पुत्र मिले, अच्छे पति के प्यार, सब कुछ मिले। क्या वो श्री कृष्ण के हृदय पे राज कर पाए? क्या वो श्री कृष्ण के सोल का हिस्सा बन पाए? अगर देखा जाए, हम जानते हैं परमात्मा के ही हिस्सा है, लेकिन अगर हम डिटेल में जाते हैं और श्री राधा कृष्ण के जर्नी के एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या श्री कृष्ण के कोई भी पत्नी जो अष्टलक्ष्मी के ही अवतार थे, क्या आज वो श्री कृष्ण के साथ पूजे जाते हैं? जहाँ देखो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण क्यों? सेक्रीफाइस, सारे सृष्टि को चलाने के लिए, सबके मन में खुशियाँ भरने के लिए, सबके जीवन में आनंद लाने के लिए, जो भी कर्म वो कर सकते थे उन्होंने किया। द्वारकाधीश बने, चुनौतियों का सामना करे, लेकिन मन में सिर्फ राधा पले। राधा जी राधा रानी बनी, अपने कर्तव्य का पालन करी, पर मन में सिर्फ कृष्ण बसे। तो ये मन की बात थी। 5D हम बोलते हैं ना, ड्रीम हम बोलते हैं ना, बस उनका मिलन वहाँ तक है, असीम है, अनंत है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी भी राधा कृष्ण जी का ही जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब कोई शरीर का संबंध या वैवाहिक जीवन का संबंध या पुत्र पैदा करना ही नहीं है, समस्त ब्रह्मांड के सबको, हर जीव को सुखी रखने का, आनंदित रखने का, प्रेम बांटने का जर्नी है ये। ये इतनी छोटी सी बात तो है ही नहीं कि आप सोचोगे कि लव अफेयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो 3D एनर्जी है, वो छोटी सोच है, वो अनंत प्रेम नहीं है। प्रेम के बिना तो कुछ है ही नहीं, सृष्टि तो कभी चलती ही नहीं अगर प्रेम ना होता। तो प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम का मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी वाला नहीं है। प्रेम का मतलब हर जीव से प्रेम, सच्चा प्रेम, अनंत प्रेम, अनकंडीशनल लव। तो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। आप किसी और के अदर हफ को अपने पति या अपने गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी या अपना बॉयफ्रेंड कुछ भी बना के बैठ सकते हो, पर काल चक्र का चाका तो घूम रहे हैं, है ना? एक दिन जैसे कालचक्र ने श्री राधे और कृष्ण को तकलीफ में डाला, वैसे ही कालचक्र परिवर्तित हुए और आयन और श्री कृष्ण के अदर पत्नियों को भी पता चला कि हम एक सोल के बीच में जाके दोनों को डिवाइड करके अपने सुख भोग रहे थे। यही सब कुछ नहीं है। तो वो पीड़ा जो अपने ही अदर हफ को किसी और के साथ बांट लें, इससे महान सेक्रीफाइस, इससे महान अनकंडीशनल लव और कहाँ देखने को मिलेगा? आपको तो देवी ही मानना चाहिए वो जिन्होंने ऐसा किया है। और वो देवी मानने के लिए नहीं, वो सत्य में देवी बन जाएगी। कलयुग के अंत में वो देवी ही बन जाएगी जो ट्विन जर्नी को सही में समझ के श्री राधा में अपने आप को कन्वर्ट कर पाए हैं, वो देवी ही कहलाएगी। राधा कृष्ण एक थे और एक ही रहेंगे। आपके लिए एक बहुत प्यारा सा संदेश है जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ नहीं पाए। पहले तो आप सीख ले, राधा कृष्ण के जर्नी को समझ ले, एंड उसके बाद अपने आप को इवॉल्व कीजिए। अपने आप को डर्क में मत रखिए, अपने आप को भी लाइट लीजिए, ठीक है? सीखिए, समझिए और अपने सोल को इवॉल्व कीजिए। आपके भीतर भी राधा कृष्ण बसे हैं, बस उनसे प्रेम कीजिए। शिव शक्ति जो आपके भीतर बसे हैं, वही आपके ट्विन है। आपके सोल से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए। दूसरों को देख के, दूसरों के चीज़ों को देख के, दूसरों के खुशियों को देख के कंपेयर मत कीजिए। खुद के खुशी खुद के अंदर ढूंढिए। क्या है उसके पास, उससे हमें क्या लेना देना? हमारे पास जो है कम है क्या? बहुत है।
शुक्रिया गुजार हो जाए, थैंक यू कीजिए, शुक्रिया गुजार होइए, शुक्रगुजार होइए, थैंक यू कीजिए, परमात्मा से थैंक्स कहना सीखिए, हर चीज़ के लिए सेटिस्फेक्शन लाइए, खुश रहिए, सबसे प्रेम कीजिए और प्रेम से बोले राधे राधे।